क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा बच्चा नहीं है, इसकी कोख में किसी और का पाप पल रहा है। भाभी जी, तो क्या करे सोनू, अपनी जान दे दे या इसकी जान ले ले। तो बच्चा गिरवा देगी, बेचारी कितना सहेगी, वैसे भी बहुत अत्याचार सह चुकी है वो। बलराम बेटा, क्या कर दिया तुम लोग मेरे बेटे के साथ? बेटा बलराम, उठ उठ। क्यों मारे मेरे बेटे को? एक बात कान खोल कर सुन ले बद्री, जिस तरह अपनी औरतों को घर में छुपा के रखा है ना, अपने बेटे को भी छुपा के रख। हमको कुल्हाड़ी से मारने चला था, इस बार तो जिंदा छोड़ दिया, अगली बार अगर दिख गया ना तो इसी कुल्हाड़ी से बोटी बोटी काट के फेंक दूंगा, समझा? बहुत कुछ खरीदे पता है? हाँ, तुम हमेशा भाभी के लिए खरीदती हो, हमारे लिए क्या कुछ नहीं खरीदती? अरे भाभी ने तुम्हारे लिए बनाई तो है खीर, उसमें भी फिर चक चक करते रहते हो। वो तो बनाते, हमको पता है। छोड़ो, हमारा मन भड़क रहा। छोड़ो, अरे छोड़ देंगे दुपट्टा, अब हमारे साथ तो बैठो, बड़ा मजा आएगा गाड़ी में। खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारी हम। अरे अरे लौंडा मरद बन रहा है जतिन भैया। राजा लौंडे बहुत मरद बन रहे हो, उठा के ले जाए तुम्हारी बुआ को। छोड़ो छोड़ो, सीट को फेंको फेंको, चलो यहां से। बोल तो उठा के ले जाए। जतिन भैया, हमको लगता नहीं है कि गौरी तुम्हारे हाथ आने वाली है। अबे नहीं बे, दुपट्टा तो आ गया ना हाथ में। अभी तो आधा दुपट्टा आया है, पूरा दुपट्टा आ जाएगा। चलो गाड़ी स्टार्ट करो,
कब से चल रहा तुम्हारे ऐसा? तो हमको बताएगा नहीं? देखो बलराम, तुमको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत खतरनाक लोग हैं और तुम घर पे कुछ नहीं बताओगे किसी को। अरे मेरी जाना है, हाय हे गौरी, दुल्हनिया बनाएंगे अपने भैया की, और बेटा तुम मत मिल जाना, बहुत मारेंगे। बस हो गया, कहते हम कर लेंगे खुद। आप काहे करेंगे और हम किस लिए हैं यहाँ पर? अभी मुंह धोने के बाद ना गरम गरम चाय पीने में मजा आ जाएगा। ये रही आपकी चाय, पीजिए। अरे कहते हम ये खुद पी सकते हैं ना? अच्छा पीजिए। तुम नहीं पियोगे? हम बाद में पी लेंगे, आप पीजिए ना चाय। कहते काहे तुम हमारे लिए इतना करती हो? ये सारे काम हम खुद कर सकते हैं ना। आप कहा कह रहे हैं, और हम भला करते क्या हैं? आपके लिए हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? एक बात बोलूं? कहिए। तुम हमारा बहुत ख्याल रखती हो। चेकी, सनी का आना जरा। जी भाभी। हाँ हाँ भाभी, देखो क्या कह रही है। अंदर चल। ये लो दवाई, इसे रोज सुबह शाम लेना है। सोनू को अच्छे से देख रेख कर, तेरी जल्दी होट भर देंगे, समझी ना? जी भाभी। ये लाल क्लिप ना तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, और ये सब भी तुम्हारे लिए। अरे हमने तुम्हें मना किया था ना कि हमारे लिए बाहर से कुछ मत लाना, तुम फिर भी। भाभी तुम तो हमेशा ऐसे करती हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन भाभी जब भी बाहर जाएंगे ना और बाजार जाएंगे, तब तक तुम्हारे लिए हमेशा अच्छे अच्छे गिफ्ट लाएंगे, समझी मेरी प्यारी भाभी? गौरी तुम्हारा दुपट्टा, ये तो तुमने नया सूट लिया था ना, तो फिर कैसे फटा? भाभी क्या हुआ? वो बताना। भाभी प्रधान जी के लड़के हैं ना, जब भी घर के बाहर निकलते वो हमें छेड़ने लग जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम उनका क्या करें। अरे इसमें समझना क्या है, गलत को सहना नहीं चाहिए गौरी, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और हम बात करते हैं बद्री भैया से, वो जाके प्रधान जी से बात। नहीं 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 भाभी, बद्री भैया को नहीं, अगर हम बद्री भैया को बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि सारी गलती हमारी है, घर से आना जाना तक बंद कर देंगे, इस घर में कैद करके रख देंगे। भाभी भाभी प्लीज बद्री भैया। चाची अच्छा हुआ आप हमारे लिए खीर रख ली, वरना हम तो झगड़ना शुरू कर देते। बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है चाची। गौरी हम कह रहे थे कि तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाए, और हाँ तुम इस दुपट्टे को ना कहीं छुपा के रख दो, बाकी हम सोचते हैं। हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तेल लगा दो ना। भाभी ने जो माँ बनने दवाई दी थी वो खा ली तुमने? नहीं। खा लो। ठीक है। Thank you.
भाभी, अभी प्रधान का लड़का, भाभी भागो, भाभी। कहाँ भाग के जाएगी? रुक जा, रुक। हमको छोड़ दो भैया। अरे अब गौरी नहीं तो उसकी भाभी ही सही। हमको छोड़ दो, हमने कहा बिगाड़ा है तुम्हारा, हमको छोड़ दो, तुम्हारे आगे हाथ छोड़ते भैया, हमको छोड़ दो। छोड़ दो आपको भैया, छोड़ दो, छोड़ दो आपको। जतिन भैया, मार देते हैं इसको। हाँ भैया, औरत खत्म, अपराध खत्म। अरे पगला गए क्या तुम लोग? जीने देते हैं इसको, छोड़ दो। अरे भैया, हम कह रहे हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं। साली का गला काट देते हैं। हाँ पम्मी, जा जा जा। ए, एक बार बोले ना छोड़ दो। वो कहावत नहीं सुने हो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का गर्दन नहीं काटते हैं। जब मन करेगा इसको दोबारा उठा लाएंगे। भैया बहुत गजब माइंड है, सच्ची बोल रहे, फ्यूचर का सोच रहे हो। या किसके? चलो भैया। चल। हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यही कारण है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा हर प्रदेश में प्रशासन के लिए सबसे अहम मुद्दा बन गया है। गौरी के साथ जो होने वाला था वो केतकी के साथ हो चुका था। एक औरत के जीवन का सबसे बड़ा डर होता है। केतकी ने उस डर को बेहद ही पास से देख लिया था। वो उस अत्याचार से गुजरी थी जिसके बारे में सोचकर भी किसी की भी रूह कांप उठेगी। जतिन जैसे अपराधी इंसान की शक्ल में हैवान है जो हमारे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या इस हैवान को इसके किए गए अपराध की सजा मिलेगी? क्या केतकी अपनी लड़ाई लड़ पाएगी? क्या एक मासूम को न्याय मिल पाएगा? जान से मार देंगे बटान के लड़के को। ए, बलराम, 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 कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? कौन जा रहा है? नहीं। अरे तुमको बहुत गर्मी है ना, तो अपने अंदर रखो, अपने अंदर। अरे हम बात करेंगे उससे, ऐसे कैसे कर सकता है वो? अरे हम गरीब है, हमारी इज्जत नहीं है क्या? ये सब हमारे साथ होने वाला तोड़ पाओगे? गलती तो हो गई हमारे बेटे से, अब क्या करें?
उसका हर्जाना तो उसे भोगना ही पड़ेगा। ये गलत काम अगर उसने गौरी के साथ किया होता तो मैं उसके साथ उसकी शादी करवा देता। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गलत काम उसने तुम्हारे भाई की पत्नी के साथ कर दिया। ये कोई तरीका ना है प्रधान जी, हमारे छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत काम हुआ है। देखिए प्रधान जी, हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई कानून के हाथों होनी चाहिए। कानून को काहे ला रहे हो? हाँ? और यहाँ हम ही कानून है। हाँ? पुलिस के पास जाकर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्यों परिवार का तमाशा बनाना चाहता है? बोल क्या बोलते हैं प्रधान जी, आपके बेटे ने बड़ा अपराध किया है और आप ही लोग पंच हो तो कैसे इंसाफ होगा? क्या किसी और को पंच ले किया? या हमारे खिलाफ प्रधान का चुनाव लड़ ले और हरा दे हमें और फिर बन जा प्रधान। ऐसी बातें करो प्रधान। अरे बद्री, अब तू थाना जाएगा क्या? क्या बोलेगा कि तेरी भाई की पत्नी के साथ गलत काम हुआ है? शर्म नहीं आएगी? तू बेशर्म हो गया है। अरे हम गरीब हैं, हमारे लिए इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है। अब वही चली गई पंच परमेश्वर। ये ले, रख ले, 50,000 हैं, हर जाना है। और अपने घर के बहु बेटी को समझा कि वो नजरें अपनी मुस्की करके चले, ऐसे मुस्कुरा करके जब लड़कों को देखेंगी तो लड़के हैं, उनसे तो गलती हो ही जाएगी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अभी अभी माफी मांगो उनसे। जल्दी गलती हो गई, हम दारू का नशा में थे इसलिए हमको पता नहीं चला। ज्यादा दर्द हो रहा है, माफ कर दो हमको। हटो यहां से, हटो। देखो बिटिया, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है, हमको सहानुभूति है तुमसे। इसके दवा दारू में जो पैसा लगेगा उसके लिए हम हैं, चलते हैं। चलो बद्री भैया, ये सब क्या किए तुम? जो हुआ भूल जा, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। जिस लड़ाई में अपना नुकसान हो उसे लड़के क्या? बात हार जीत की नहीं है भैया, लेकिन अगर लड़े नहीं तो जी नहीं पाएंगे। तो मर जा फिर, और वैसे भी तूने हमें शकल दिखाने लायक छोड़ा कहाँ है? सुनो, सोए नहीं अब तक? जाओ जाकर सो जाओ। अरे भाभी, हमें उसके साथ नहीं रहना है, नहीं सोना है उसके साथ हमें। क्या
पागल हो गए तुम? व्यक्ति की हालत देखिए तुमने। बस कर, सही कह रहा है। किसी भी पति को खील आएगा ये। सुनो, तुम एक काम करो, अम्मा का कमरा खाली है ना, वहां बोलो केती को रहने को। जा, ठीक है। सोनू भैया, शादी के बाद जब तुम्हारे दोनों पैर चले गए थे, तब केतकी भाभी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तो, अरे वो लोग गंदा तो मेरे साथ करने आए थे, लेकिन इन सब में बेचारी केतकी भाभी। सोचो अगर ये सब हमारे साथ हुआ होता तो। जबान पे काबू रखो अपने। तुम्हें पता है कुछ बड़ों के बीच में टांग फंसाती रहती। मेरा भाई अब एक कमरे में केतकी के साथ नहीं रहता। पवित्र हो गई है केतकी। पवित्र। कुछ खा लीजिए। हो बजरी भैया, तुम्हारी बहू का समझौता कर लिया का प्रधान जी के साथ? रुक जा। तुम रहने दो, हम बनाए लेंगे खाना। पर भाभी, हम मदद कर देते हैं ना। तुम रसोई से दूर रहो। एक अपवित्र औरत के हाथ का बना हुआ खाना हमारे गले से नहीं उतर सकता। रसोई से दूर रहो।
गौरी, मैंने मना किया है ना घर से बाहर जाने को। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता है ना जनानी को घर से बाहर निकलना मना है। समझ में नहीं आता है तुम्हें? भैया आज मेरा बीए का एग्जाम है, पत्राचार में कॉलेज नहीं जाना पड़ता, लेकिन परीक्षा देने तो जाना पड़ेगा ना। चाहे तो भैया आप साथ चल लो, उनका ही जाना है। भैया भैया रुक जाइए भैया। औरतों का घर से बाहर निकलना मना है, मतलब मना है। कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं, पढ़ाई बंद। भैया भैया हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। तुम्हारे साल बर्बाद के चक्कर में अपनी इज्जत खराब कर ले हम लोग? चलो अंदर। सही तो कह रहे तेरे भैया, केतकी के साथ क्या हुआ देखा ना, उन्हें हमारी चिंता है, इसलिए इसीलिए इसीलिए तो हम सबको घर में कैद कर रखा है ना। गौरी, भाभी 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 क्या हुआ? भाभी हम केत के चाची को बुला के लाते हैं। देख रहा है ना तू, इतनी दिनों से देख रहा है कि नहीं कि अब उसका खाना पीना अब हमसे अलग है, फिर भी समझ में नहीं आती तुझे? का मतलब है? और केत के चाची ने कोई गलती नहीं की है? गलती प्रधान के लड़के ने की है, और अब पैसे काहे लिए उससे? गलती आपने की, प्रधान के लड़के ने की, और उसकी सजा आप लोग केत की चाची को काहे दे रहे हो? ए बलराम, तू भैया से ऐसे बात करेगा? तेरे पापा है वो, तो तभी से बात कर। लोग कहते हैं कि औरतें कमजोर होती हैं, गलत कहते हैं। केत की चाची, गौरी बुआ, इनमें ज्यादा हिम्मत है आप लोगों से। कमजोर तो आप लोग हैं। नहीं खाना हमको। बलराम, भाभी लो थोड़ा सा खाना खा लो। भाभी इन सबकी सजा तुम खुद को काहे दे रही हो? इन सबकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए थी ना। भाभी हमने सोच लिया है, आज रात को चुपके से उन्नाव के लिए निकलेंगे, और वहां पे पुलिस में जाके रिपोर्ट कराएंगे उस जतिन के खिलाफ। भाभी भाभी आज रात को हम छुपके से उन्नाव के लिए निकलेंगे, वहां जाके थाने में रिपोर्ट कराएंगे उस जतिन के खिलाफ। और अगर घर में किसी को पता चल गया तो? भाभी तुम में हमसे ज्यादा हिम्मत है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम थोड़ी सी हिम्मत रखो। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि जिस लड़की के साथ दुराचार हो जाए वो अपवित्र हो जाती है? एक पीड़ित को उसके ही घर में और पीड़ा दी जा रही थी, उसको अलग कमरे में रखा जा रहा था, रसोई घर में जाने की इजाजत तक नहीं थी। औरत की इज्जत औरत के शरीर के साथ नहीं जुड़ी है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है उसे जुड़े किसी मर्द की इज्जत नहीं जाती, बल्कि उस औरत की इज्जत जाती है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है
कि ना ही वो औरत अपवित्र हो जाती। इज्जत हमेशा अपराधी की जाती है, पीड़ित की नहीं। अपवित्र हमेशा अपराधी होना चाहिए, पीड़ित नहीं। लेकिन हमारे इस समाज में न जाने ऐसे कितने लोग इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते। पितृ सत्ता का चश्मा पहन के ये लोग सच्चाई को देख नहीं पाते। यही कारण है कि हमारे समाज में अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके परिवार वाले भी उसका साथ नहीं देते। उन्हें यही लगता है कि उनकी इज्जत चली गई है। क्या केतकी अपराधियों को सजा दिलवा पाएगी? क्या वो पुरुष समाज में रहकर अपनी लड़ाई लड़ पाएगी? क्या वो जीत पाएगी? अभी थानेदार साहब को सब कुछ सच सच बता देना, इस बार हमारी सुनी जाएगी। हाँ चलो। वो शिकायत दर्ज करवानी थी। इनको या आपको? हमको। चलिए चलिए आप चलिए। और हाँ आप वहीं रुकिए। कहाँ गए? बोलो। जब हमने एक बार बोल दिया था कोई भी औरत इस घर से बाहर नहीं निकलेगी तो फिर इतनी भरी रात में दोनों बाहर कैसे निकली? कहाँ गई? बोल बोल। बहुत पहले जाना चाहिए था, वहाँ गई है चाची। ए, कैसा मर्द है तू? परिवार का नहीं सोचता, इज्जत का नहीं सोचता? अरे हमारी कितनी बदनामी हुई होगी। तो बदनामी तो पहले हो चुकी है। बस घर बोल लो, पापा को जवाब मत दे। का जवाब न दे? हाँ तुम जवाब न दो, हम तो देंगे। जो अपने घर की औरत की इज्जत ना बचा पाए ऐसा बाप होने से अच्छा कि ना हो। आ, तो इसको मोर देंगे, मत छोड़ेंगे। छोड़ दीजिए भगवान के लिए, छोड़ दीजिए उसे। मत रहने दीजिए भैया, कुछ मत कहिए बलराम को। आज के बाद हम कभी पुलिस आने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये एक बार फिर से अपवित्र हो गई। हे भगवान, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए हम लोग। जब से तुम मुंह खड़ा करवा के आई ना बाहर से, तब से हम सब रो रहे हैं। पर तेरे रोने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। तुझे तो और मैं खत्म कर दूंगा। भाभी के साथ ये सब क्या कर रहे हो? प्लीज उन पे और अत्याचार मत करो। ये सब इस गौरी के कारण हो रहा है। सोनू, तू अपनी जोरू को ऐसी सजा दे कि कुछ भी करने से पहले हजार बार सोचे। तुझे तो मैं आज खत्म कर दूंगा। चलो अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, चल। मेरे और केतकी के बीच में कोई नहीं आएगा। केतकी अंदर चल। चाचा माफ कर दीजिए चाची को। छोड़ना नहीं इसको। तेरे साथ जो हुआ उसके बाद इस घर में रखे हुए है तुझे। कैसे निकली घर से बाहर तू? हैं? बोल बोल, कैसे घर से बाहर निकली तू? अब जाएगी, जाएगी बाहर? बोल बोल। नहीं जाएंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। और मत मारो हमको।
मत गौरव, रो मत। हमारी तो किस्मत में यही लिखा है, भले इस कमरे में पड़े पड़े हमारी जान चली जाए पर हम अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे कुपरी, कहीं नहीं जाएंगे। भैया भैया, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जल्दी बोल, मुझे खेत पर जाना है। भैया इसके साथ हम नहीं रह पाएंगे, आप हमारा तलाक करा दीजिए। क्या तलाक? तलाक देगा तो ये कहां जाएगी? इसके तो मां बाप भी मर चुके हैं। बड़ा दिल दिखा सोनू, बड़ा दिल दिखा, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने पे। और सुन, अगर तलाक देने से बदनामी का धब्बा मिट जाता ना, तो मैं कब का तेरा तलाक करवा दिया होता। लेकिन भैया हमें इसके साथ रह के घिन आती है, हम नहीं रह सकते इसके साथ, आप हमारी बात समझिए आप। अरे लेकिन बिकिन कुछ नहीं, बस मर्द बन, मर्द बन, हिम्मत दिखा। देख तेरी हालत देख, तू तू कौन दूसरी लड़की मिलेगी तुझसे ब्याह करेगी, बोल बोल ना। लेकिन भैया मैं कुछ नहीं, चुप चुप। भैया हमारी बात तो सुनिए, हम ऐसे इसके साथ नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते भैया, आप सुनिए तो सही। भैया भैया क्या हुआ? मैं वो देखो गौरी का भतीजा, उस दिन बहुत फूल रहा था, आज इसका निकालता हूँ नतीजा। रुको जरा अभी आते हैं। आज इसकी बुआ को उठा ले जाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया हम पर हमला कर दिया राकेश, बोल रहे माओ कितनी हिम्मत आत रहे। ये हमारा बच्चा नहीं है, इसकी कोख में किसी और का पाप पल रहा है भाभी जी। तो क्या करे सोनू, अपनी जान दे दे या इसकी जान ले ले। तो बच्चा गिरवा देगी, बेचारी कितना सहेगी, वैसे भी बहुत अत्याचार सह चुकी है वो। तू सही कह रहा था सोनू, अगर उस दिन तलाक दे दिया होता ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बलराम, बेटा क्या कर दिया तुम लोग मेरे बेटे के साथ? बलराम,
बेटा बलराम उठ उठ। क्यों मारे मेरे बेटे को? एक बात कान खोल कर सुन ले बद्री, जिस तरह अपनी औरतों को घर में छुपा के रखा है ना, अपने बेटे को भी छुपा के रख। हमको कुल्हाड़ी से मारने चला था, इस बार तो जिंदा छोड़ दिया, अगली बार अगर दिख गया ना तो इसी कुल्हाड़ी से बोटी बोटी काट के फेंक दूंगा, समझा? बैजी को बुला, बैजी को बुला, काम के कॉल बन रहा हूं। ये एक बार फिर से अपवित्र हो गई। लेकिन जब तक आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी इज्जत का दम भरने वाले कायरों ने केतकी की जान ले ली थी। पुलिस ने सोनू और बद्री दोनों को गिरफ्तार कर लिया, साथ साथ बलराम और गौरी के बयानों के आधार पर जतिन और उसके दोनों दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों एक औरत को अपनी लड़ाई सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, घर की चार दीवारों के अंदर भी उसे लड़नी होती है? न जाने कितने ऐसे मर्द हैं जो औरत के अस्तित्व को अपनी इज्जत समझते हैं, उसके रक्षक बनकर रहना चाहते हैं। एक औरत को अपने लिए कोई रक्षक नहीं चाहिए, उसे बराबरी का अधिकार चाहिए, न्याय के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में उसे हिम्मत देने वाला चाहिए। उसके बाद एक औरत वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। हमें ऐसा ही भारत बनाना होगा जिसमें मर्द और औरत बराबर हो और किसी केतकी की जान न ली जाए। हम भी देखेंगे कि इन घटनाओं से हमारा ये समाज कुछ सीख पाएगा या नहीं, या फिर इस तरह की घटनाएं यूं ही चलते रहेंगे। सवाल बहुत अहम है हम सब के लिए, सोचिएगा जरूर। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।